एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बिल्कुल मौज से रह रहे होंगे। ठीक है, एक तो मास्क लगाने की थोड़ी ना आदत चली गई है, क्योंकि एक डेढ़ महीना इंडिया में मास्क वास्क कोई लगाता नहीं था और यहाँ पे तो भैया मास्क लगा के निकलना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोंडे फॉलो नहीं करते हैं रूल रेगुलेशंस, तो क्या ही कर सकते हैं इनका, समझ रहे? पुलिस वाले लट्ठे देंगे ना जब करेंगे ये फॉलो, वैसे नहीं करेंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आ गया हूँ अपने यूनिवर्सिटी, ये है तमायो टावर और यही है हॉस्पिटल। ठीक है, कुछ फ्लोर्स पे क्लासेस चलती हैं, कुछ फ्लोर पे हॉस्पिटल है। ठीक है, तो अभी यहीं पे आपको आना जाना दिखाई देगा हमेशा मेरे व्लॉग्स में, क्योंकि अभी हमारी क्लर्कशिप वगैरह शुरू होने वाली है, इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं कुछ लोग। ठीक है, तो यहीं पे आना जाना दिखाई देगा। ओके, तो आज के इस व्लॉग को शुरू करते हैं, क्योंकि कल मैं आया था तो आज ही गणेश चतुर्थी है, तो सबको पहले तो गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। ठीक है, भगवान गणेश जी आपके सबके सदबुद्धि दे, हमको भी दे सबको। बारिश आ गई है, क्या ही कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भीड़ लगी हुई है हॉस्पिटल में, खूब पैसे कमा रहे हैं ये लोग, समझ रहे? तो भाई बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, एक डेढ़ महीने बाद ये दृश्य है यहाँ का। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं गणेश चतुर्थी के लिए, कोई हमें कोई एक टिप मिली थी कि कोई इस एड्रेस पे गणेश चतुर्थी है, गणेश जी का वो कुछ कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं। तो मेरे साथ है हितेश भाई। हेलो भाई। ठीक है, मास्क वास्क ये लगाता नहीं है, जेब में रखता है, जब कोई दिखेगा तो लगा लेगा चुपचाप। और मैं तो लगाऊंगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ इसलिए नहीं लगा रखा। और यार बारिश आ गई है, मुझे लगता है हमें यहीं रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो? और भाई पहले जब हम लोग यहाँ पे रहते थे ना कोविड टाइम में, तब इतने इंडियंस बहुत रेयरली दिखते थे, लेकिन अब तो हर जगह पे इंडियंस दिख रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आ गए हैं ऑलमोस्ट। और बस अभी यहाँ से चलते हैं, मैं यहाँ मैकडी के बाहर रुक गया हूँ, देखते हैं क्या कुछ इन्होंने प्रोग्राम कर रखा है गणेश चतुर्थी का। और ये क्लर्क्स घूम रहे हैं। ठीक है, इंटर्नशिप अभी हमारे भी थोड़े दिन में ऐसे ही शुरू होने वाला है काम, मज़ा आएगा, एक एक लोग मस्त दिखाई देगा। ठीक है, हॉस्पिटल के अंदर बाहर सब कुछ, तो मिलते हैं आप लोगों से वहाँ पे पहुँच के। पहले तो वो एड्रेस ढूंढना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है वहाँ पे जाने आने की, लेकिन ब्लॉग को शुरू करते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिकल विद माय लाइफस्टाइल, दिस इज मोहित, आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माय लाइफ। ठीक है, इन माई ओन स्टाइल। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्लॉग। पैदल चलने के बाद अभी तक हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे जो एड्रेस बताने वाले लोग हैं वही उल्टे सीधे निकल गए। ठीक है, और ये देखो बिना मास्क के एक और आ गया कबूतर। ठीक है, और अभी आ गए हैं गली में, पहुंच गए फाइनली इस गली में, बता रहे हैं कि आगे है कितना मीटर भाई, 250 मीटर। और भाई छाता दिखा रहा है वो अपना, और बताओ भाई छाता ये। हाँ, तो अभी हम लोग पहुँच जाते हैं, फिर देखते हैं क्या कुछ है। मुझे तो लग रहा है 12:30 बजे का टाइम था और अभी बज गए 1:30 बज गए, 1:30 हो गया, तो अब देखो क्या पता सब कुछ समेट ना दिया हो। देखते क्या कुछ है, कैसी मूर्ति वूर्ति लगाई है बढ़िया। दोस्तों मुझे लग रहा है प्रोग्राम ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोग आने जाने लग रहे हैं स्ट्रीट से, और हम लोग तो अभी जाने की सोच रहे हैं और लोग आने भी लग गए वापस, तो यही है अभी, तो देखते हैं एक बार जाके आते हैं।
बड़े जो पूरी बिल्डिंग है ना, आई थिंक दोनों तरफ की, ये सब इंडियंस ने ले रखी है, तो यहीं पे ही इन्होंने लगा के मूर्ति वूर्ति का सब सेटल कर रखा है काम। ठीक है, यहाँ पे म्यूजिक व्यूजिक का लगा दिया, लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। बाकी हम भी एक कोने में बैठे हुए हैं। ये लेके आई थी राक्षस, देवता आदमी है। तो यहाँ पे रूम वूम है सब बढ़िया, ऊपर नीचे हॉस्टल जैसा ही है कुछ ऐसा जुगाड़। और बहुत सारे लोग आए हैं, लगभग मान लो होंगे भाई 100-150 लगभग बच्चे आए हैं यहाँ पे। अभी देखते हैं क्या कुछ होता है क्या नहीं होता। हाँ, बिन के आ जाते हैं। केसरिया रंग के फ्लैग व्लैग लगा रखे हैं मस्त, बाहर भी फोटो वोटो लगा रखी है बढ़िया। तो चलो बढ़िया बात है ना, आरती वारती होगी अभी, क्योंकि अभी आई थिंक अभी इन्होंने शुरू ही किया है ना, आरती वारती नहीं की होगी शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आरती वारती करने के बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से, देख लें। तो अभी मैं जहाँ पे आया हूँ अपने जो गणेश चतुर्थी वगैरह मनाने के लिए, यहाँ पे इकट्ठे हो रखे सब लोग। तो जैसा मैंने बोला था कि हॉस्टल वोस्टल सब इन्होंने ले रखे हैं यहाँ पे, और अपने दोस्त वोस्त मिल गए सब लोग। भाई अपना नाम बताते रहो। यस शर्मा। सुमित यादव। ये तो अपने पास का ही है, बिल्कुल जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास ही रहते हैं भाई। और भाई सचिन यादव झंडा भी लेके खड़े हैं भाई। संदीप शर्मा भाई। तो सब लोग मिल गए, अभी भीड़ भीड़ ज्यादा हो गई है यहाँ पे, तो मिलते हैं भाई लोग, है ना। ठीक है भाई। कैसे हो भाई, क्या नाम है आपका? हिमांश। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी, देखते हैं क्या कुछ कर रहे हैं भाई लोग। तो दोस्तों ये अपना भाई है गिरधर गोपाल, तो ये है नवोदय से जहाँ मैं पढ़ा हूँ, मेरे जूनियर थे ये, एक दो साल जब ये सेवंथ में थे तब मैं टेंथ में था, और उसी साल शायद मैंने तो टेंथ में छोड़ दिया था नवोदय, और ये भाई कंटिन्यू 12th तक करके आया पूरा। हाँ 11th तक किया, 12th में वापस आ गए। तो दोस्तों यहाँ पे प्रसाद वरसाद का भी थोड़ा सा प्रोग्राम था, तो लोग प्रसाद वरसाद ले रहे हैं इधर। कैसे भाई? तो अभी लोग प्रसाद वरसाद ले रहे हैं यहाँ पे, आ चुके हैं तो ले लिया। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। यहाँ पे अरेंजमेंट कर रखा, अच्छा कर रखा है यार सब कुछ, बढ़िया कॉलेज के पास नहीं है वो, तो ये जगह तो बहुत दूर है, हम लोग अभी आते आते ही बस हो जाए। हमारा भी बनवाओ। अरे भाई साहब मैं मैसेज कर रहा था आपके पास, तो आपको आना है। मुझे पता था यार। गणेश चतुर्थी का है भैया, ये बताओ। गणेश चतुर्थी का प्रसाद है। गणेश कोई नहीं लाया गणेश चतुर्थी के दिन? गणेश यार गायब है, गणेश चला गया अपने घर, अभी वो आएगा तब लेके आएंगे उसको। उसको वहां इंडिया में भी तो कुछ मेहरबानियां करनी है ना लोगों ने। ये पूरी बिल्डिंग एक ही है, ठीक है। तो इसमें उधर जो गणेश जी का वो कर रखा है वो सब कुछ सब एक में ही है, ठीक है। यहाँ पे भी फुल लौंडे पूरे भरे पड़े इंडियंस ही सब, लेकिन बढ़िया है यार, बहुत दिनों बाद सब लोगों से मिला तो सब अच्छा लगा। अभी चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं। टाइम हो गया है अभी 2:44, ठीक है, लगभग 3 बज गए हैं, ठीक है, चला जाओ भाई। तो अभी निकलते हैं यहाँ से,
थोड़ी सी दूर है, पैदल जाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है बट, और ये जगह वैसे भी यूनिवर्सिटी से दूर है, थोड़ी दूर मतलब होगी 1-1.5 किलोमीटर लगभग, तो थोड़ा आना जाना थोड़ी दिक्कत वाली बात है। बाकी जगह तो अच्छी है और सारे इंडियंस ही हैं तो फिर और भी अच्छी है। बहुत भीड़ आई थी यार, लगभग आए होंगे 200-300 के लगभग लोग आए होंगे कम से कम। और भाई अच्छी ये बात है कि जितने भी लोगों से मतलब बहुत सारे लोगों से मैं मिला अंदर जाके, कुछ लोगों को मैं वीडियो में ले पाया, कुछ लोगों को नहीं, क्योंकि बाद में भी मिलते जा रहे थे लोग तो उस चक्कर में। तो कोई बात नहीं, फिर कभी मिलेंगे तो फिर सब लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को। बाकी बहुत लोग मिले मुझे, पहली बार इतने ज़्यादा लोग मिले, बट ठीक है, अच्छा लगा सबसे मिल के, सब बढ़िया लोग थे, सबसे बातचीत की और प्रसाद वरसाद लिया, उसके बाद अभी निकल गए वापस। तो और मैं क्या बता रहा था, हाँ सब लोग सेटल हो गए ऑलमोस्ट आके यहाँ पे, ये भी साइकोलॉजी वगैरह के थे ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो भी थे, और बाकी सब लोग अपने अपने काम में लग गए होंगे, पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू कर दिया है लोगों ने, कुछ लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी चलना शुरू हो गई है, तो यही है। अभी चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से, सब लोग और भी जा रहे हैं वापस काम वाम अपना करके, मतलब यही प्रसाद वरसाद लेके। शाम को और सुबह आरती वारती होती है यहाँ गणेश जी की, तो वो देखते हैं कभी अगर आ पाऊँगा तो दिखाऊँगा आपको। बाकी तो चलते हैं अभी वापस घर की तरफ।